डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके अपने विचार थे हर पहलू को लेकर, हर एक उठाए गए कदम को लेकर, चाहे वो संविधान हो या फिर धर्म या फिर दलितों के उत्थान को लेकर, उनके उठाए गए एक के बाद एक कदम हो, हर एक मुद्दे को लेकर उनकी अपनी सोच और अपना नजरिया था। तो एक सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म और मनुवाद को लेकर क्या सोचते थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जितनी भी जानकारियां मिलती हैं, उससे यही पता चलता है कि शायद बाबा साहेब को हिंदू धर्म में अच्छाई जैसी कोई चीज नहीं दिखती हो। इसी वजह से शायद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि मनुष्यता या मानवता के लिए शायद हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं दिखती हो उनको। अपनी एक बुक जाति का उच्छेद में बाबा साहेब ने दो टूक लिखा कि हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वो कुछ और नहीं आदर्शों और प्रतिबंधों की भीड़ है। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म वेदों और स्मृतियों, यज्ञ कर्म, सामाजिक शिष्टाचार, राजनीति व्यवहार और शुद्धता के नियमों जैसे अनेक विषयों की खिचड़ी संग्रह मात्र है। यदि कुछ थोड़े से सिद्धांत हिंदुओं में पाए भी जाते हैं तो उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका हिंदुओं के जीवन में नहीं पाई जाती। बाबा साहेब ने अपनी इसी बुक में ये तक लिख डाला कि यदि मुसलमान क्रूर थे तो हिंदू नीच रहे हैं, और नीचता क्रूरता से भी बदतर गुण होता है। अंबेडकर ने सीधे सीधे लिखा कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को बेवकूफ बनाया और इन दोनों ने वैश्यों को अपने आश्रित बना लिया, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्रों को दबाए रखने का काम किया। शूद्रों को संपत्ति जोड़ने से रोका गया, क्योंकि संपत्ति पाकर कहीं ऐसा ना हो कि वो तीनों वर्गों से स्वतंत्र हो जाए। उसे ज्ञान पाने से रोका गया, क्योंकि कहीं अपने हितों के प्रति सजग न हो जाए वो। उसे हथियार रखने पर रोक लगाई गई कि कहीं वो व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न कर बैठे। ये सारा स्टेटमेंट बाबा साहेब का है जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। ये तो हुई हिंदुवाद को लेकर अंबेडकर की सोच, हिंदुओं को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर सोच, लेकिन मनुवाद का भी वो जिक्र करते हैं और अपनी बुक प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति और हिंदू नारी की उत्थान और पतन में लिखते हैं कि मनु स्त्री का स्थान शूद्रों के स्थान के समान मानता है। वेदों का अध्ययन स्त्री के लिए मनु द्वारा उसी प्रकार वर्जित किया गया है जैसे शूद्रों के लिए। इस बात की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों का जिक्र करते हैं। मनु लिखता है, नास्ति स्त्रीणा क्रिया मंत्र रीति धर्मे व्यवस्थिति निरिंद्रिया यमंत्राश्च स्त्रियो नृतीति स्थिति, जिसका मतलब है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का कोई हक नहीं। ऐसे में इसके लिए वेदों मंत्रों के बिना ही उनके संस्कार किए जाते हैं, क्योंकि वेद को जानने का हक स्त्रियों को नहीं है। ऐसे में उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता, स्त्रियां वेद का अध्ययन नहीं कर सकती। ऐसे में वे वैसे ही अपवित्र हैं जैसे असत्य अपवित्र है। बाबा साहेब ने इस बारे में आगे लिखा है कि मनु जितना शूद्रों के प्रति कठोर है उससे तनिक भी कम स्त्रियों के प्रति कठोर नहीं है। अब तक की जैसी जानकारी मिली है, जितना हमने जाना, उससे तो यही पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस हद तक ब्राह्मणवाद मनुवाद के पोषक हिंदू धर्म से नफरत किया करते थे। ये वीडियो यहीं तक। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।